अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोस्ट पॉपुलर पीएम का भाषण डेढ़ घंटा सुना, उम्मीद थी कि इंसाफ के लिए भी कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अंग्रेजों के वक्त भी 10 साल में इंसाफ मिल जाता था, लेकिन अब सालों लग जाते हैं। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम सब की आज़ादी जिसमें न्यायपालिका की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी शामिल है, इसके लिए प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका में 4,000 से ज्यादा वैकेंसी है जो मुझे भी चिंतित करती है। हम न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हम जजों की नियुक्ति के लिए MOP तैयार कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस के लिए न्यायपालिका का मजबूत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जमकर हमला किया। पीएम ने अपने भाषण में बलूचिस्तान, गिलगित और POK का भी जिक्र किया। पीएम के भाषण के बाद बलूच नेताओं ने मोदी को धन्यवाद कहा है। पीएम मोदी के भाषण के बाद बलूच नेताओं के उनके भाषण का स्वागत किया। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के नेता अशरफ शेरजान ने कहा कि हम पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। वही बलूच रिपब्लिकन पार्टी के चीफ ब्राहम बाग बुगती ने भी पीएम के भाषण का स्वागत किया। उन्होंने पीएम का शुक्रिया किया। बुगती ने कहा कि वे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बड़े फैन हैं और चाहते हैं कि वे बलूचिस्तान पर फिल्म बनाएं। उन्होंने कहा कि अमिताभ उनके दादा का किरदार बखूबी निभा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भी चर्चा की, वही जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में केंद्र को कोसा है। मुफ्ती ने कश्मीर के हालात के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के सिर दोष मढ़ा है। झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान तक का केंद्र नेतृत्व जिम्मेदार है। बंदूकें चाहे आतंकी की हो या हमारी, बंदूकों से कोई मसला हल नहीं होगा। PDP BJP गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर हिंसा पर दुख जताते हुए कहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि जिन सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों ने निर्दोष का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही खींचतान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मंत्री पार्टी के ऊपर बोझ है। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी में शिवपाल सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है। शिवपाल अपने काम में लगे हैं जबकि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिवपाल 2 बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, मैंने उन्हें रोका है, अगर वो छोड़ दे तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सावधान रहे, जनता बनाना और हटाना जान गई है। कांग्रेस ने मुझे माफिया बनाया, जितने दिन मुलायम जेल में रहेंगे उतने दिन कल्याण के काम होंगे। कहा, अगर मैं खड़ा हो गया तो आधे मेरे साथ भाग जाएंगे, सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया के चर्चित नरही गोलीकांड में BJP कार्यकर्ता की मौत पर क्षेत्रीय BJP विधायक उपेंद्र तिवारी खूब रोए। विधायक ने ये आंसू अपने कार्यकर्ता विनोद राय के लिए बहाए, जो उनके थाने पर धरना की वजह से पुलिस की गोली का शिकार हुआ। विधायक उपेंद्र तिवारी रोते रोते इस घटना के लिए समाजवादी सरकार के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी को जिम्मेदार ठहराते हैं। उपेंद्र ने कहा, हमारी पार्टी से जितनी उम्मीद थी उतनी मदद नहीं मिल पा रही है। प्रदेश और भारत सरकार से हमने अपनी सुरक्षा के लिए गनर की मांग की थी, मगर मुझे नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं और मेरा एक भी कार्यकर्ता दोषी पाया गया तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, पुलिस चाहे तो मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। एक और जहां देश 70वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है, वही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने CRPF के जवानों पर हमला किया है। इस हमले में 5 जवान घायल हो गए हैं, जबकि मुठभेड़ अभी जारी है। श्रीनगर के नोहटा में हुए आतंकी हमले में अब तक 5 जवान घायल हो गए हैं। अभी तक किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है, एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि आतंकी के घर में छिपे हैं, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। दूसरी तरफ उरी सेक्टर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है।
बिहार को संसाधन उपलब्ध नहीं कराने से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद परनगाड़िया को पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि विकास से सपनों को हकीकत में बदलने 2030 तक विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए ये बहुत जरूरी है कि संसाधनों की कमी पर गौर फरमाया जाए, साथ ही बिहार जैसे कम विकसित राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पत्र में बिहार में चल रहे 7 निश्चय का भी जिक्र किया है। उन्होंने सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 2020 के बारे में पत्र में विस्तार से चर्चा की है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की चर्चा भी उन्होंने अपने पत्र में की है। भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को यहां जारी 31वें ओलंपिक खेलों के 9वें दिन रविवार को टेनिस के मिक्स्ड डबल्स इवेंट के प्लेऑफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वे ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने का मौका गंवा बैठे। ओलंपिक टेनिस सेंटर में हुए इस मुकाबले में सानिया और बोपन्ना को चेक गणराज्य की लूसी हादेका और राडिक स्टेफानिक की जोड़ी ने हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1 घंटा और 11 मिनट तक चले इस मुकाबले में लूसी और राडिक की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे सेटों में 6-1, 7-5 से पराजित किया। भारत के पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बिक श्रीकांत ने रियो ओलंपिक के 9वें दिन रविवार को पुरुष एकल वर्ग के अपने दूसरे ग्रुप मैच में जीत हासिल करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारत की ही पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को 19-21, 21-15, 21-17 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। श्रीकांत ने ग्रुप एच के अपने मुकाबले में स्वीडन के हेनरी हुरस्काइने को कड़े मुकाबले में 21-6, 21-18 से हराया। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य जीत चुकी सिंधु को जीत हासिल करने के लिए 1 घंटा 11 मिनट तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। सिंधु ने पहले गेम में ली को कड़ी चुनौती दी और हार मानने से पहले 24 मिनट तक संघर्ष किया। पहला गेम गंवाने के बाद सिंधु ने दूसरे गेम से बेहतरीन वापसी की और 22 मिनट में दूसरा गेम जीत को 1-1 से बराबर कर लिया। तीसरे और निर्णायक गेम में उन्होंने शुरू से दबदबा बनाए रखा और 25 मिनट में जीत हासिल कर ली। तूफान के पर्याय फर्राटा के बादशाह हुसैन बोल्ट ने रियो में अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर की बहुप्रतिष्ठित बहुचर्चित दौड़ में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक में नया इतिहास रचा। बोल्ट ने इस जीत से सुनिश्चित कर दिया कि वह दुनिया के सर्वकालिक महान एथलीटों में से एक है। रियो ओलंपिक में जमैका के बोल्ट ने खचाखच भरे स्टेडियम में 100 मीटर के फाइनल में 9.81 सेकंड का समय निकालकर सोने का तमगा हासिल किया। डोपिंग के दागी अमेरिकी धावक हस्टिन गेटलिन 9.89 सेकंड के साथ दूसरे, जबकि कनाडा के आंद्रे डी ग्रेस 9.91 सेकंड का समय लेकर तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वह बोल्ट का था। विश्व और ओलंपिक रिकॉर्ड धारक इस फर्राटा धावक ने अपने प्रशंसकों को निराश भी नहीं किया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। जय हिंद।